वक्त की बड़ी खबर है, कांग्रेस ने रांची से सुबोध कांत सहाय की बेटी को टिकट दे दिया है। सुबोध कांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय इस बार कांग्रेस से प्रत्याशी होंगी। रांची लोकसभा क्षेत्र से यशस्विनी सहाय कांग्रेस की प्रत्याशी होंगी। कद्दावर नेता है सुबोध कांत सहाय, कई दिनों से कांग्रेस में शामिल है, कई बार सांसद रहे हैं, लगातार कांग्रेस के लिए लड़ते रहे हैं। यशस्विनी सहाय को टिकट मिला है, लेकिन बड़ी खबर यह भी है कि गोड्डा से दीपिका पांडे सिंह का टिकट कट गया है। गोड्डा से दीपिका पांडे सिंह का टिकट कट गया, वहां से प्रदीप यादव को टिकट मिला है। दीपिका की जगह प्रदीप यादव लड़ेंगे चुनाव, यह बड़ी खबर है। टिकट का बदलना शुरू हो गया है। सुबोध कांत सहाय की बेटी को टिकट मिला है, वही गोड्डा से दीपिका पांडे के नाम की घोषणा थी, दीपिका पांडे का टिकट कट गया, प्रदीप यादव को टिकट मिल गया। चतरा और धनबाद पर पूरे देश की नजर है, क्योंकि धनबाद में भी बगावत के सुर काफी तेज हो चुके हैं, कई गंभीर आरोप लग रहे हैं बेरमो विधायक पर। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अनुपमा सिंह का टिकट भी कट सकता है। यादव को टिकट मिलना कई बड़े सवाल खड़े कर दिया है प्रदीप यादव ने। जैसे ही गोड्डा से दीपिका पांडे के नाम की घोषणा हुई थी, उसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे थे, विरोध जताया था। वही हालात धनबाद के भी हैं। अनुपमा सिंह के खिलाफ भी ललन चौबे ने सैकड़ों समर्थकों के साथ इस्तीफा दे दिया, और अगले दिन बेरमो विधायक अनुप सिंह ने बयान दे डाला कि ललन चौबे के जाने से पार्टी ज्यादा मजबूत हुई है। कई वरिष्ठ कांग्रेसियों को धक्का लगा है, हर जिले में इस बात को लेकर चर्चा है कि मजदूर नेता ने पार्टी छोड़ दी है, और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं विपिन उपाध्याय। विपिन, बड़ी खबर है कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, गोड्डा से दीपिका पांडे के नाम की घोषणा थी, उनका टिकट कट गया, उनकी जगह पे प्रदीप यादव को टिकट मिला है। वहीं रांची से सुबोध कांत सहाय का नाम रेस में सबसे आगे चल रहा था, लेकिन उनकी बेटी यशस्विनी सहाय का नाम, पहली बार यशस्विनी सहाय चुनाव लड़ेंगी लोकसभा का, रांची से विपिन। देखिए, रांची संसदीय सीट के लिए सुबोध कांत सहाय का नाम जरूर प्रबल दावेदारों की फेहरिस्त में था, लेकिन बीते एक सप्ताह पहले पार्टी ने यह तय कर लिया था कि 70 साल से ऊपर के जो भी नेता हैं, चाहे वो कितने भी बड़े हैं, उन्हें पार्टी लोकसभा के चुनाव में मैदान में नहीं उतारेगी। और उसी दिन यह तय हुआ था कि सुबोध कांत सहाय की जगह उनकी बेटी यशस्विनी सहाय को कांग्रेस रांची से चुनावी मैदान में उतारेगी। जो प्रक्रिया थी कांग्रेस के चुनाव में उम्मीदवार के उतारने की, स्क्रीनिंग को लेकर जो व्यवस्था थी, उसके तहत इनके नाम पर चर्चा हो गई थी। और बीते दिनों जो कांग्रेस ने 3 सीट पर उम्मीदवार की घोषणा की थी, चतरा, धनबाद और गोड्डा, उस वक्त ही लगभग तय था कि रांची में सुबोध कांत सहाय की इकलौती बेटी यशस्विनी सहाय लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। और जो सबसे बड़ी बात आज कांग्रेस के द्वारा जारी गई सूची में है कि जो गोड्डा से कांग्रेस ने अपनी राष्ट्रीय सचिव और महगामा से विधायक दीपिका पांडे को उम्मीदवार बनाया था, उनको पार्टी ने रिप्लेस कर दिया है। प्रदीप यादव जो लगातार बीते 4 लोकसभा का चुनाव गोड्डा से हार चुके हैं, उन पर पार्टी ने एक बार फिर से दाव लगाया है। जिस तरीके से बातें आई, तो जो जातीय समीकरण कांग्रेस ने साथ रखा था, उसमें एक ओबीसी नेता को एडजस्ट करना था। रांची से बन्ना गुप्ता का नाम आया था, लेकिन सुबोध कांत सहाय का नाम उनके ऊपर काफी भारी पड़ा और उनके जगह उनकी बेटी को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। तो ऐसे में ओबीसी वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने गोड्डा पर अपने घोषित उम्मीदवार दीपिका पांडे की जगह एक बार फिर से प्रदीप यादव को चुनावी मैदान में उतारा है।
विपिन, गोड्डा से टिकट कट गया दीपिका पांडे का, आज जो महारैली में महाभारत देखने को मिली है, क्या लगता है उसके बाद चतरा और धनबाद पर भी खतरा मंडराने लगा है? केएन त्रिपाठी के समर्थकों के साथ भिड़ंत हो गया आरजेडी का, वहीं धनबाद में ललन चौबे समेत कई बड़े नेता इस्तीफा दे रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं। बेरमो विधायक अनूप सिंह से खफा है, कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं अनूप सिंह पर। क्या अनुपमा सिंह और केएन त्रिपाठी का टिकट भी खतरे में है? विपिन, देखिए जितनी जानकारी मेरे पास है, धनबाद से अनुपमा सिंह ही उम्मीदवार होंगी। जब उम्मीदवारी को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही है, कुछ लोग जो पार्टी छोड़ रहे हैं उनके रैंक प्रोफाइल को भी देखना जरूरी होगा कि उनका पार्टी छोड़ना किसी चुनाव में किसी दल को कितना प्रभावित कर सकता है। और जाहिर सी बात है कि जब कई महत्वाकांक्षी व्यक्ति होते हैं जो अपने समर्थकों को टिकट दिलाने के लिए लगातार लॉबिंग करते हैं या फिर अपने नेता के लिए लॉबिंग करते हैं, वैसे स्थिति में उनके लोगों को अगर टिकट नहीं मिलती है तो वो घोषित उम्मीदवार के विरोध में बातें कहते हैं, पार्टी छोड़ते हैं। ये एक स्वाभाविक राजनीति जो है वो पूरे देश में लगातार लंबे समय से विगत कई लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखने को मिली थी। लेकिन जैसा मैंने बताया, क्योंकि एक ओबीसी वर्ग को कांग्रेस को एडजस्ट करना था, इसलिए पार्टी ने गोड्डा में रिप्लेसमेंट किया है। बचे हुए सीट पे जो अब तक की जानकारी है, कांग्रेस उम्मीदवार नहीं बदलने वाली है। चलिए, बहुत धन्यवाद विपिन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो ये बड़ी खबर है, राजधानी रांची से लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी होंगी सुबोध कांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय। पहली बार चुनावी मैदान में उतरेंगी, लेकिन पिता का गहरा अनुभव उनके साथ होगा। सुबोध कांत सहाय का नाम ही रेस में आगे था, लेकिन जो विपिन ने बताया कि उम्र कहीं ना कहीं बाधक बनी, यही कारण है कि फुरकान अंसारी और ददई दुबे के साथ साथ सुबोध कांत सहाय का भी टिकट मिलना मुश्किल था। यशस्विनी सहाय को मिला, लेकिन गोड्डा में बदल गया, चेहरा बदल गया, नाम बदल गया। विरोध के तेवर जितने तल्ख होते गए उतनी ही जल्दी परिणाम भी सामने आ गया। दीपिका पांडे का टिकट कट गया, उनकी जगह पर प्रदीप यादव को टिकट दिया गया। हालांकि प्रदीप यादव पर भी गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके कारण उनका नाम पहले टिकट के दौड़ में पीछे हो गया था। अब देखना है कि आलाकमान ने किस बात पर भरोसा किया है, सरकार पर कितना भरोसा है। वहीं चतरा और धनबाद सीट पर भी जो जानकारियां मिल रही हैं, या तो फाइनल हो सकता है या तो खतरा मंडरा सकता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।